पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। भारतीय फौज जल्द ही पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। उक्त शब्दों का प्रगटावा अमृतसर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान अमित शाह ने किया। रैली दौरान संबोधन करते हुए पुलवामा हमले के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने आख्या कि पंजाब के जो चार जवान पुलवामा हमले में शहीद हुए ने भाजपा हमेशा उन्होंने परिवार नाल खड़ी है। इसके नाल ही उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते निशाना साधते हुए कहा कि कैप्टन की सरकार विकास नूं बंद करने वाली सरकार है। उन्होंने आख्या कि कैप्टन साहब साडे कोल हिसाब मंगते ने, पर कैप्टन साहब ने जो वादे जनता नाल कीते सन उन्हां वादियां दा की होया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चोणां तों पहलां कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों कर्जा मुआफी कर कर नौकरी देण दे नाल नाल कई वादे कीते गए सन जो कि सारे फेल हो गए सन। उन्होंने तिखा हमला करते हुए कहा कि जिस तरह दे नाल कैप्टन सरकार वल्लों कर्जा मुआफ किया गया इसका कोई भी लाभ पंजाब नूं नहीं मिलेगा। इस दे नाल ही उन्होंने अपनी सरकार दीआं उपलब्धियां बारे जाणू भी करवाया। क्योंकि मोदी जी पहले आपके चुनाव संगठन के प्रभारी रहे और अरुण जी भी अमृतसर पर विशेष नहीं रखते, इसलिए जब पंजाब को विकास का सवाल आता है भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं। मगर अभी अभी सरकार बदली है, बहुत सारे कार्यकर्ता भी मुझे मिलते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी मिलते हैं। एक अनुभवी जर्नलिस्ट को मैंने पूछा कि भैया बताओ हमारी सरकार चलती थी सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब के नेतृत्व में, वो सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के बीच में फर्क क्या? तो उसने बड़े तरीके से कहा कि साहब एक समाज सेवी किसान सरकार चलाता है तो कैसी चलती है वो सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार देखकर मालूम पड़ता है, और राजे महाराजे सरकार चलाते हैं तो कैसी चलती है वो कैप्टन साहब की सरकार देखकर। इतनी सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो शुरू की थी वो सारी चीजों को बंद 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 करने का काम कैप्टन साहब ने किया। अभी कैप्टन साहब थोड़े वोकल हुए, शायद अब उनको समय भी मिला है तो चुनाव नजदीक आते ही बोलना शुरू कर देते हैं। कभी कभार चंडीगढ़ रुक भी जाते, कभी कभार ऑफिस भी चले जाते। अभी अभी इन्होंने पूछना शुरू किया कि भारत सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। कैप्टन साहब आप हमारा हिसाब मांगते हो? आपने वादा किया था कर्जा कुर्जी को कुर्की को खत्म करेंगे, उसकी रकम पूरी करेंगे, आपके वादे का क्या हुआ? एक माह के अंदर नशा खत्म करने का यही अमृतसर में वचन दिया था, क्या हुआ? घर घर नौकरी और नहीं बनी तो 2500 रुपये का बेकारी भत्ता देने का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं इतना समय हुआ क्या हुआ? कर्ज माफी के वादे राहुल बाबा ने पंजाब के चुनाव में किए थे और कर्ज माफी क्या हुई? जिस तरह से कर्ज माफी की है इसका कोई लाभ पंजाब के किसानों को नहीं मिला।